सो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं और साथ साथ में जो न्यू वैकेंसीज आती है उसके बारे में बताते हैं। तो आपको आज एक तोड़ ताड़ वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। DSSSB की रिक्वायरमेंट है 2022 की, इस महीने की रिक्वायरमेंट निकली है। DSSSB भर्ती 2022 के लाइब्रेरियन टीचर के 632 पदों पर निकली है। ठीक है, तो 632 पद निकले, अलग अलग तरह के पद निकले। आपको बता दूँ, देखो DSSSB की ओरिजिनल वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ NTC दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये निकली है। और डेट कब है? डेट 14/10/2022 की है, 14 तारीख को निकली। अब हमें पता लगा तो उसके हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग जो फॉर्म अप्लीकेशन होगी वो 19/10 से भरी जाएगी और 18/11 तक भरी जाएगी, मतलब 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो प्लीज़ इसको अप्लाई कर देना, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी वाली जॉब के लिए। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो DSSSB टीचर रिक्वायरमेंट दिल्ली अधीनस्थ सर्व ये मतलब सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीचर 2022 के लिए 632 पदों पर आवेदन निकले हैं, नोटिस जारी हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस और डोमेस्टिक साइंस फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद, और 19 अक्टूबर से शुरू होंगे फॉर्म। तो बहुत सारे पद निकले, अब देख लेते कौन कौन से पद निकले। ये तो इंटरव्यू दे रहा था। देखिए, जैसे कि पोस्ट का नाम है, अब पोस्ट कोड है 32, लाइब्रेरियन की 100 पोस्ट है। ठीक है, लाइब्रेरियन की 100 पोस्ट है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की 4 पोस्ट है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की 106 पोस्ट है और डोमेस्टिक साइंस टीचर की 200, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 221 पोस्ट है। कुल मिलाकर 632 पोस्ट निकले, 632 सोचो 632 पोस्ट निकले। तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, प्लीज़ 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 भरो, ये जाके देख लो, क्योंकि नौकरी मिल गई ना, मौज हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, हमें चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो आपको पता है, जैसे कि सब में चाहिए होता है, DSSB टीचर भर्ती 2021 के फिजिकल एजुकेशन, देखिए इसकी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं आप, मैं लिंक लगा दूंगा। इन पदों पर आवेदन शुल्क बात करें तो सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, और जबकि PW और महिलाओं के लिए फ्री होता है, जैसे आपको पता ही है, जैसे नीचे देख सकते हैं। ठीक है, नीचे देख सकते हैं, ऊपर वही कहानी लिखी थी, नीचे बता दे रहा हूँ। जनरल OBC के लिए 100 रुपये और ST PWD ये 0 रुपये, फीमेल के लिए 0 रुपये। तो बढ़ सकते हैं आप DSSB सुनहरी जॉब। ठीक है, अब देखिए इसकी योग्यता देख लेते हैं। देखिए, सैलरी देख लो, वो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख ही लोगे सारी चीज़। अब सैलरी देख लो, देखो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ सैलरी। देखिए, पोस्ट नंबर लाइब्रेरियन की सैलरी 44,000 से 1,42,000 तक, असिस्टेंट टीचर की 35,000 से 1,12,000 तक, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर 44,000 से 1,042 तक, डोमेस्टिक साइंस टीचर की 44,000, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 44,000 से 1,42,000। तो मोटा पैसा है, ये याद रखना, मोटा पैसा। ठीक है, याद रखना। ठीक, आशा करता हूँ आप देखेंगे। और इसके हाउ टू अप्लाई पे देख लो, कैसे अप्लाई करना। सबसे पहले DSSB की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। अगर आपने पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, तो पुराना कर रखा तो आपका पुराना सही होगा। ठीक है, आपकी ID पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको अपनी जनरल डिटेल्स सबमिट करानी है, ऑप्शंस क्लिक करें। ठीक है, और अपनी फॉर्म भर ले और दस्तावेज और फोटो एकदम क्लियर अपलोड करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी, और सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं आपको। ठीक है, आपकी कैटेगरी के अनुसार 100 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आवेदन शुल्क मुफ्त होगा अगर आप SC OBC है। और अंत में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही थी आपकी DSSB की वैकेंसी इस बार की। ठीक है, तो जल्दी से जाके जॉब को अप्लाई कर दें। ठीक है, और जाके लाइब्रेरियन और जो भी असिस्टेंट टीचर की उसकी पोस्ट ले लें। ठीक है, पेपर होगा, अच्छे से तैयारी करना। ठीक, और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमसे जुड़ें। ठीक है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं और नई नई वैकेंसी के बारे में बताते भी हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना भाई।